पहले एक मेरा सवाल है, आप उसका जवाब देंगे। बताइए, मैं गुलाम से लेकर अभी तक कैसे नहीं बदला हूँ? देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आपको एज ए राजा, एक राजा की तरह जब आपको निर्णय लेना होता है तो वो इतना आसान नहीं होता है। कुछ निर्णय दिखने पर मुश्किल लगते हैं, बट देखा जाए तो वो प्रजा की भलाई के लिए ही लिए जाते हैं। और बस यही हो रहा है। और कुछ निर्णय जो सरफेस पे ऊपरी तरीके से अच्छे लगते हैं, वो शायद अंदर मैन्युपुलेट किए जाते हैं। एक वो भी पॉइंट है उसका, तो वैसा भी हो रहा है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। तो उसमें आपको साथ में धीरे धीरे मणिकर्णिका और गंगाधर का जो इक्वेशन है, वो कैसे साथ में मिलके एडवर्सिटीज़ को अपने फेवर में करते हैं, तो ये वो उस बारे में सीन। तो जब मैंने जो सुनवाई की है प्रजा की, उसमें मुझे कहीं ना कहीं पता लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं वो उस हिसाब से, जो बोली गई हैं वो उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो अभी वो प्रोसेस है, और आगे कैसे गंगाधर डिस्कवर करता है रियलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, और गंगा और मणिकर्णिका कैसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होती हैं गंगाधर को ये सच्चाई दिखाने में, वो आँखों के सामने जो पर्दा है उसको हटाने में, और अलॉन्ग साइड उनका रिश्ता कैसे मजबूत होता है, कैसे दोस्ती से प्यार से ये क्या मोड़ लेता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा आगे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स एट 9:30 PM एट झांसी की रानी। Thank you.